मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सोशल एक्टिविस्ट कांग्रेस लीडर सैयद सलीम ने 65,000 रुपए की कैंसर पेशेंट्स में मदद की है, यानी कि कैंसर पेशेंट्स में ये पैसे तकसीम किए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैंसर किडनी पेशेंट्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। अल्लाह सुबहानहु तआला इस अमल को कबूल फरमाए और हमारे दोस्त अमेरिका में अहमद अली भाई, उनको उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे। उनके लिए दुआ फरमाइए आप लोग भी। अहमद अली भाई को अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे। और नजब भाई बोल के हमारे दोस्त, वो नजब भाई को भी और उनकी फैमिली को अल्लाह सलामत रखे। आइए साहब, बिस्मिल्लाह। हुमेरा बेगम, आपका उस्मानिया में ट्रीटमेंट चल रहा, आपको भेजा है हमें जी। आपको ये कुछ खर्चे के लिए, आपकी दवाओं के लिए पैसे हैं जी। बाबा नगर, ओके, जज़ाकल्लाह। फिर क्या है देखेंगे। जियागुड़े से कौन है? जियागुड़े से आँखों का आपरे, दोनों मियाँ भी का ऑपरेशन। हेलो, दुआओं में याद रखिए। हार्ट पेशेंट कुरमागुड़ा नहीं है, कैंसर पेशेंट पहाड़ी से सन्ना। जी कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट अफरोज। अच्छा, कैंसर पेशेंट अफरोज, आप अफरोज है कैंसर पेशेंट? कैंसर पेशेंट अफरोज, अमान नगर। कैसी तबीयत शहर की? मतलब खाने पीने कुछ भी नहीं, वो सीरियस ही है। अल्लाह का शुक्र है आप लोग मदद कर रहे हैं बोल के, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बराबर गरीबों का ख्याल कर रहे हैं आप लोग। मेरे दोस्त अहमद अली साहब के लिए दुआ करो। नमाज पढ़ो खुद में आपके लिए, आप लोगों के लिए करते दुआ। आप कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट फरद नगर, कैंसर पेशेंट फरद नगर। अच्छा, बुला लेते हो? यस मैम। कैसी तबीयत? थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत शुक्रिया अहमद अली सर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अली सर के लिए और सलीम सर के लिए। तो बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, बहुत ख्याल करते हैं। जब से ऑपरेशन होने से पहले से ही ख्याल कर रहे हैं और आज तक भी कर रहे हैं। घर को आए तो इतनी इज्जत से बिठाते, कैफियत पूछते, बहुत अपनों से ज़्यादा बहुत इज्जत देके बात करते। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा हमेशा दुआ में रहेंगे और मेरे भाई का ख्याल कर रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे सलीम सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सलीम सर जरिया बने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अंजुम शाहीन नगर, कैसी है बच्ची की तबीयत? दुआ में याद रखिए। रूबीना बन्ना का आई ऑपरेशन, जाके करा लो। बादशाह मर गए, सो इंतकाल हो गया परसों। बादशाह इंतकाल हो गया ना? कैंसर पेशेंट पहाड़ी शरीफ, पहाड़ी शरीफ। कितने बच्चे आपके? तीन बेटियां हैं। तीन बेटियां हैं, बेटे नहीं है। हाँ,
डॉक्टर हाँ छोड़ दिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह आपके शोहर को जो है सेहत अता फरमाए। तीन बेटियां हैं, क्या उम्र की बेटियां? 18 साल के हैं। हाँ 16 साल के हैं। हाँ 20 साल के हैं। बच्चा 20 साल का है। बच्चियां? बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं, तीनों बेटियां हैं। चेक राशन भी लेके जाओ। राशन लेके गए थे ना आप? हाँ। जी हाँ, रमजान के बाद लिए थे ना? हाँ। चलो ले लेके जो बच्चियों के वास्ते, बच्चियां हैं सीरियस है आपके, शो राशन भी ले जाओ। चलो दुआ में याद रखो। चलिए हार्ट पेशेंट कुरमा घोड़ा, हार्ट पेशेंट कुरमा घोड़ा, हार्ट पेशेंट कुरमा घोड़ा बोलो। इशरत लंग्स पेशेंट, कैसी तबीयत हो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अंकल, तबीयत हो है। आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की मदद से बीमारी का इलाज कर सक रहे हम लोग। जो दवाई नहीं मंगा सक रहे, आप लोग मदद करोगे, दवाई मंगा के खा रहे। दुआओं में याद रखो, अल्लाह आपको सेहत दे। आपके बच्चे कितने? 4 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे अंकल। चलिए ठीक है, अल्लाह सेहत दे आपको, परवरदिगार। दोस्तों मरीजों के लिए दुआ करो। आपके हमारे मोहम्मद भाई की बहन कहाँ हैं? आइए। आपके बच्चे के हिफ्स का हो गया इंतज़ाम, हो गया बच्चा चले जाएंगे हिफ्स के मदरसे को इंशाल्लाह। आपका ट्रीटमेंट चल रहा, आपके पेंशन को भी अप्लाई कर दिए, ये आप दवाखाने को आ रहे हैं जा रहे हैं दवाओं के लिए, बोले आप ये लीजिए। आप दुआ में याद रखिए, वो बच्चे को टाइम पे भेजा दो, वो बच्चा जो है वहाँ पे हिफ्स कर लेता मेरे दोस्त के पास। चलिए सभी आ नहीं है, ये लीजिए आपके बच्ची के मदरसे का। हाँ शुक्रिया, ओके। दुआ में याद रखिए मेरे मेरे दोस्तों। नाजिया फिसल बंडा, नाजिया फिसल बंडा, अम्मी की तबीयत खराब है, ये लो ये लेके जाके अम्मी को दो, दुआओं में याद रखो बोलो। हार्ट पेशेंट कुरमा गुड़ा, हकीम पेट कैंसर पेशेंट मर गए, उनकी बीवी आई वीडियो। हकीम पेट कैंसर पेशेंट, कितने बच्चे आपके? 3 बेटियां हैं 1 बेटा। 4 है हकीम पेट से ना, आते रहते ना आप? इंतकाल हो गया? हो गया इंतकाल। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपके आपके परेशानियों को दूर फरमाए, अपना मदद करे, आप उनके भी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। ठीक जो भी मुश्किल है अल्लाह ताला आसान से आसान कर दे। ठीक है, जो भी अता कर रहे हैं अल्लाह ताला और इजाजत दे। कैंसर पेशेंट विडो बादशाह, विडो बादशाह कौन है? कैंसर पेशेंट बादशाह, आपके अब्बा का इंतकाल हो गया ना परसों? 22 को हो गया। ये लो ये पैसे लो, अम्मी तो नहीं आ सकते जी हाँ। और जो है ये राशन लो, राशन भी लेके जाओ, अम्मी को दुआ करो बोलो, नो तो इद्दत के दिनों में राशन ले जाओ। नमाज पढ़ते हैं जी, जी। नमाज पढ़े तो दुआ करो मेरे मेरे दोस्तों के लिए, मेरे दोस्त अहमद अली भाई के लिए। चले जाओ तुम कुरमा गुड़ा, हार्ट पेशेंट चारों खत पुकार रहा हूँ आपको मैं। दुआ में याद रखिए। शम्स उन्निसा जी, वालेकुम सलाम। ये राशन ले गए थे आप? हाँ, दवाओं को पैसे होने का आपको आपके शोहर के, जाइए आप। एक दिए तो दो नहीं बोलना, राशन लेके गए थे ना आप? फिर चलिए भैया शुक्रिया बोलने के, आप जो राशन भी दियो, राशन अभी लेके गए आप? ये कैंसर पेशेंटों का है सुबह, कौन है बोलो आप? आरिफा गादी बंडा, मेराज का है? मेराज
दोस्तों ये बच्चे का ऑपरेशन कराया परसों के कोठी में, मैं गया था दवाखाने को, याद है आपको, तो ये बहुत परेशान थी। आसरा दवाखाने को गई तो 30,000 रुपये का बच्चे का ऑपरेशन बोले मैं ले जाके ENT हॉस्पिटल के अंदर अपना रिकमेंड यूज़ करके मैं सुपरिनटेंडेंट से बहुत अच्छे से ऑपरेशन करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा स्टेबल है और वहाँ भी जो है जो भी चीज़ की ज़रूरत थी मैं इनको कराया बैठ के, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चा स्टेबल है। कैसा है बच्चा अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बच्चा अच्छा है, ऑपरेशन भी होगा, कल डिस्चार्ज होकर घर पे भी बच्चा आ गया। मैं 2 साल से बहुत परेशान थी सभी में, आपकी वजह से हमें बच्चे का ऑपरेशन होगा, कामयाब भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपके जितने दोस्त हैं उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से दुआ दे रही हूँ। लीजिए बच्चे के दवाओं वगैरह के लिए है। इशरत सिस्टर किशन बाग, इनके शौहर का एक्सीडेंट हुआ, बैठो इधर बैठो। वालेकुम सलाम। आपके शौहर का एक्सीडेंट हुआ, कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। ये लीजिए दुआ में याद रखो। हाँ खमर बेगम को राशन देना है जी। ये लीजिए खमर बेगम, दुआ में याद रखिए। बेवा हैं आप? कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं। दुआ में याद रखिए, नमाज वगैरह पढ़ते हैं? दुआ में याद रखिए। आरिफा है, आरिफा गाजी बंडा। वालेकुम सलाम। अल्लाह अच्छा रखो, आप परेशानी दूर में जो हम लोग का सेवा तो कर रहे हैं आप लोग। बच्चे छोटे हैं? बच्चे जरा बड़े हैं, स्कूलों जा रहे हैं। स्कूलों को जा रहे हैं, अच्छा अच्छा। तुम भी हमारे घर वाले ने परेशानी दूर तो रही, वजीफा भी नहीं बन रहा मेरा। अच्छा अल्लाह रहम करे आपके ऊपर, वो वजीफे नहीं आ रहे हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह आज तो अनवर भाई कराते। वो कौन है? अतिया, बेटा अतिया। कहाँ से आयो? हसन नगर से। राशन ले लीजिए आप, वहाँ है राशन ले लीजिए, उठा लीजिए। हाँ बनाए थे ना आप इनवेलप, उनका भी एक इनवेलप बना दो बेड पे। है नहीं उसको मैं एक्स्ट्रा करो बोला था ना, मतलब सर एक सेकंड, इसमें एक्स्ट्रा है ताहिरा का, ताहिरा का ना। आइए वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तबीयत खराब थी हमारे हस्बैंड के थोड़े जमाने से, तो आपका एड्रेस दिए थे मेरे को, दवाइयों की जरूरत है, वो अभी करते थोड़ी बहुत मदद करते हमारे इंशाल्लाह। अब आपका नाम सुने तो एक जन फोन नंबर दिए तो करी थी मैं आपको। अच्छा हस्बैंड बेड पे छे। कहाँ रहते हो? मैं उटापली नए सटल सैफ कॉलोनी में रहती हूँ जी। और वहाँ कितने बच्चे हैं? मेरे को 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा। ये लीजिए दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट आरिफा, आप हैं कहाँ से आए नो? गाजी बंडे से। ये लीजिए दुआओं में याद रखिए, दुआओं में याद रखिए। ये TB पेशेंट मेडिसिंस, TB पेशेंट मेडिसिन नहीं है, रखिए। नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट्स वगैरह की देख लिए, जाइए। ओके दोस्तों दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा और अल्लाह सुबहान व तआला ये बीमारों की ये परेशानियों को दूर फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिए और ये लोग भी आपके हक़ में दुआ करते हैं कि आप तमाम को अल्लाह जो है सेहत आफियत का मामला फरमाए। बड़े परेशान हैं लोग दवाओं के लिए, जो है इतने कीमती हो गए दवाएं क्या, दवाओं को पैसे नहीं है लोगों के पास, तो दुआ फरमाइए इन लोगों के लिए। और मेरे दोस्त अहमद अली साहब अमेरिका में,
उनके लिए और नजब भाई उनके एक दोस्त हैं उनके लिए अल्लाह सुबहान व तआला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।